OMG, क्या ही लग रहा है भाई साहब, मतलब क्या ही भीड़ आ रही टूटती टूटती नीचे, और अभी सब ऊपर में इकट्ठा होंगे एंड अपने को खाने की कमी नहीं होने वाली। हेलो नमस्कार दोस्तों, सबको स्वागत है फिर से माइनक्राफ्ट के एपिसोड के साथ। तो गाइस इस एपिसोड में हम करने वाले वीट फार्म बनाने वाले, क्योंकि एक प्रॉब्लम थी कि हम एनिमल्स को मार के खाना लेते थे एंड कुछ छोटा सा एक वीट फार्म था, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम जल्दी से एक वीट फार्म बनाएंगे जो कि यार पूरा ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है, कुछ मैनुअली काम भी होगा उसमें, बट हम चाहेंगे जितना से ज्यादा ऑटोमेटिक हो और उस टाइम बचेगा, सो वही करने वाले इस वीडियो में। तो गाइस चलिए, और वाटर बकेट ट्रिक भी करके दिखाएगा, अपन भी प्रो है, सो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस बाकी बातें बाद में, पहले हम करने वाले वाटर बकेट ट्रिक, जो एक नहीं दो बारी में पहली बारी में करके दिखाएगा तुम्हारा भाई। चलिए शुरू करते हैं, 3 2 1 फटाफट से जम मारेगा तुम्हारा भाई। चलिए सामान उठाने चलते हैं। भैया मुंह से निकल गई। तो गाइस हमने त्रिकरण शान जी, जो हमारे गुरु जी हैं, उनसे देखकर हमने करने की कोशिश करी, पहले में हम नाकाम रहे, अभी सेकंड ट्राई पे जाने वाले हैं। मंत्र जो उन्होंने मंत्र दिया था उसको जाप करते हैं, सीधा चलते हैं नीचे। अभी पहले ना यार शील्ड को हटा लेता हूँ मैं, क्योंकि शील्ड कई बारी मेरे को धोखा दे देती है, तो जल्दी से चलते हैं फटाफट से, इस बारी तो होनी ही चाहिए, लेट्स गो। ओ इस बारी हो गई भाई साहब, क्या बात है यार, बल्ले बल्ले कर दी मैंने यार, अपने गुरु हमारे ट्रिगर इंसान का नाम रोशन कर दिया है यहाँ पर। तो नहीं। जल्दी से हमने वाटर बकेट ट्रिक भी सीख ली है, तो अब चलते ऊपर फटाफट से। ऊपर जाने से पहले अपना सामान देख लिया एंड अपने को बो बनाने, गाइस मेरे को मालूम ही नहीं था स्ट्रिंग्स से बो बन जाते हैं, तो मैंने स्ट्रिंग्स काफी स्पाइडर से ले ली। मेरे को मालूम नहीं था, तो मेरे पास काफी बो ऐसे कुछ डैमेज बो पहले से भी पड़े हुए हैं, लेकिन अपन पहले स्ट्रिंग्स देखिए, मेरे पास काफी सारी पड़ी होंगी इस चेस्ट में, ये स्ट्रिंग्स पड़ी हुई है, तो इस स्ट्रिंग से भी बनाएंगे एंड वुड मेरे पास इस पर, इसमें भी स्ट्रिंग्स पड़ी हो, क्या बात है भाई। तो अपन जल्दी से ना वुड, यहाँ पर वुड भी पड़ी होगी, अरे वुड भी है यस, तो अपन वुड से पहले स्टिक्स बनाते हैं। तो जल्दी से मैं सर्च करता हूँ स्टिक्स का, फटाफट से स्टिक्स। तो जैसे कि 52 स्टिक्स बन चुकी हैं एंड अपने को अभी काफी सारे स्टिक्स चाहिए रहेंगे, क्योंकि यार 3 स्टिक्स यूज होती है एक बो के अंदर, स्ट्रिंग्स और यूज करते हुए पहले जितने बो बनते हैं वो बना लेते हैं फटाफट से, कितने बन सकते हैं वो बना लेता हूँ मैं। तो डिस्पेंसर की रेसिपी देख लेते हैं फटाफट, ये रहा डिस्पेंसर, डिस्पेंसर जी हाँ बन जाएगा अपने पे। तो कोबल स्टोन की जरूरत पड़ने वाली है, तो हो जाएगा आराम से 16 बनाने अपने को, तो देखते हैं इसको जल्दी से फटाफट से ना यार अपन स्टोन का काम खत्म करते हैं। अगर यहाँ से नीचे गिरे ना यार बहुत ही मतलब मुश्किल होने वाली है अपने को, क्योंकि यार देखो कितनी ऊंचाई पे हम काम करने वाले हैं, यू नो मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है बस। नीचे गिरते काम खत्म है हमारा, सो फटाफट से यार अपन ना जल्दी से स्टोन का काम खत्म करते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं थोड़े थोड़ा, और आने का तो हो चुका है अभी एक्सपीरियंस, हम प्रो बन चुके हैं अभी, तो फटाफट से अपना लगा देते हैं यहाँ पर इस साइड में। तो गाइस मैं कोई पार्ट भी नहीं स्किप करने वाला नीचे गिरा हूँ जितनी बारी भी, क्योंकि चल झूठा यार यहाँ पर जो बिगिनर्स होंगे वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि यार सीख चुके वो मुझे नूब तो बोलने वाले हैं, तो फटाफट से यहाँ पर सो जाते हैं। और 3 बार गिर चुका मैं नीचे, पता है तुम्हें 3 बार। बट अपना पहले डिस्पेंसर का काम खत्म कर लेते हैं, डिस्पेंसर लगाने जरूरी है जिसमें कि अपन वाटर फ्लो आएगा जिससे अपने को, तो गाइस इसी साइड पे अपन लगा लेते हैं इस साइड करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेते हैं, जितने भी डिस्पेंसर बना के लाए थे सारे लग चुके हैं। देखिए यहाँ पे मिडल में एक स्टोन लगाऊंगा, मैं बताऊंगा ये स्टोन क्यों, क्योंकि यार मैं इसको डिवाइडेशन करने वाला हूँ यहाँ पे। चलिए अबे अबे बच गया भाई साहब, बच गया, नीचे जाते जाते बचे हम। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को, कनेक्शन नहीं होगा तो अपने को ना इसके पीछे भी एक स्टोन लगाना पड़ता है, तो फटाफट से ना यार मैं इसको यूं करके यहाँ पर, इसलिए मैंने ये स्टैंड लगा सकते थे, तो यहाँ पर अपने को स्टोन लगाना है बहुत सारा, फटाफट से यार ना इसके पीछे भी स्टोन लगा देंगे जिससे कि इनका कनेक्शन हो सकेगा। तो भाई सारा वाटर फ्लो का काम हो चुका है, तो अपन वाटर बकेट ट्रिक फिर से ट्राई मारते हैं, सीधा वाटर बकेट ट्रिक से जाएंगे नीचे। अभी अपने कहाँ में उठा रहे थे मारे,
हाँ ये चलो यार जल्दी से अपना फटाफट से चलते अपना और सामान ले लेते जो भी चाहिए। वाटर वाटर बकेट नहीं होगा, सिंपली बकेट ही सर्च करना पड़ेगा, पानी तो हम खुद से डालेंगे क्या ही भाई साहब। जल्दी से ना फटाफट जितनी बकेट्स बनती है अभी यहाँ पे जहाँ से बनाते हैं फटाफट से, कितनी हो चुकी 16 चाहिए अपने को, 9 बकेट्स हो चुके अपने। अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। यस वाटर बकेट्स हो चुके काम अपना, फटाफट से ना ऐसे करते अपना सारा सामान लेके चलते हैं, अभी सारा कुछ करके नीचे उतरेंगे कि सुबह क्या बात है, देख सकते हो सूरज भाई क्या ही स्क्वायर में है भाई साहब। तो जल्दी से ना ऐसे करते हैं, रेडस्टोन का काम करने से पहले हम जो काम कर रहे थे वो करते हैं। अभी बहुत टाइम हो चुका है रेडस्टोन का काम नहीं करा हमने, तो फटाफट से ना एक काम करते हैं यहाँ से रेडस्टोन लगाना शुरू करते हैं कि। तो गाइस रेडस्टोन का काम बिल्कुल आपको सेम करना है, मैं इसको टाइम लैप्स में डालने वाला हूँ, तो जल्दी से आप देखिए इन्जॉय करिए। एंड जहाँ तक मैं रिपीटर्स लगाऊंगा क्योंकि वहाँ पर यार कनेक्शन पूरा सही करने के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि यार का ऐसे कनेक्शन अकेला नहीं चल सकता है, तो उसके लिए रिपीटर्स लगाऊंगा, तो वो सब टाइम लैप्स में कवर होने वाला है, फटाफट देखिए यार। रिपीटर्स एवरी 7 ब्लॉक्स पे लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 पे लगाया मैंने इसको ना, इस साइड से लगाना क्योंकि उधर से कनेक्शन आएगा तो इस साइड लगना चाहिए ये, तो इन यार ये इस साइड मत लगाना, रिपीटर शायद तक काम नहीं करते क्योंकि उसको पूरा चाहिए रहता है कनेक्शन, तो यार मैं पहले बता रहा हूँ सीधा ऐसे लगाना और इस साइड जिस साइड से कनेक्शन आ रहा है उस साइड से लगाना जल्दी। एंड बस ये सेंटर तक मैं इधर से लगा रहा हूँ अभी ना, क्योंकि उस साइड से भी कनेक्शन आने वाला है तो उधर से भी अपने को रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, तो एक साइड से मैं रिपीटर्स ऐसे भी लगा रहा हूँ इस साइड फेस करके क्योंकि इस साइड का कनेक्शन भी आने वाला है। तो गैस मैंने ना साइडों पे वाटर्स डाल दिए, वाटर का फ्लो डाल दिया पूरा का पूरा। तो गैस पहले ना ऐसे करते हैं, पहले इन डिस्पेंसर्स में ना वाटर की बकेट्स डाल लेते, तो मैं फटाफट से सारा कुछ ये काम कर लेता हूँ पहले। सो अभी और वाटर भरना पड़ेगा, बाकी बकेट्स तो खाली पड़ी अपने पे। तो गाइस अपने पास यहाँ पर देखते हैं, इसमें तो स्मेल हो चुका होगा, फिर देखते हैं उधर ही पड़ा होगा चेस्ट वेस्ट में। यस यहाँ पर 128 आयरन पड़ा होगा, मैंने काफी सारा लगा के गया था, रख के गया था, तो काफी सारा ले लिया मैंने। तो गाइस अपने को काफी सारा आयरन मिल चुका है, तो अभी ना ऐसे करते सीधा चलते घर पे, और घर पे जाने का मैंने एक और इजी रास्ता बना रखा है उस साइड पर है, तो फटाफट से उस साइड से चलते हैं। वो अभी अपने को इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, सीधा घर के पास में ये रास्ता निकलता है मेरे, तो ये देखिए कितना पास में घर के मेरे। एंड उस साइड से मैं गया था पिछली बार तो वो बहुत ही दूर पड़ता है, तो मैंने नया रास्ता क्रिएट कर लिए, देख सकते हैं। तो जैसे कि हम करने गए थे यार वहाँ पर आयरन लेने गए थे, 128 आयरन लेके आए थे, उसके बाद मैं वुड तोड़ने गया था, वुड तोड़ के मैंने प्लैंक्स बना लिए, देख सकते हैं काफी सारे प्लैंक्स हो चुके हैं मेरे को लगता है यहाँ पर, अब बहुत सफिशियंट रहने वाले ये प्लैंक्स, बट 36 चेस्ट बनाने जी हाँ, एंड उसके बाद 16 होपर्स बनाने हैं क्योंकि होपर 16 लगने वाले हैं, उसमें भी एक एक चेस्ट यूज होने वाली है, बहुत कुछ काम करने वाला है। 3 4 अरे ये ज्वाइन क्यों नहीं हुआ फिर, चलिए देखते हैं यार क्यों नहीं ज्वाइन हुआ। तो मैं चेस्ट लगा रहा हूँ एंड चेस्ट के ऊपर से ना कुछ चाहिए रहता है कनेक्ट होने के लिए, ऊपर की साइड भी या फिर उसके लेफ्ट राइट साइड में, तो फटाफट से ऐसे लगाएंगे देखो कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ निकल जाती है ऊपर से लगाते हैं तो, नहीं तो नहीं कनेक्ट होता है। बस अपन है ना नीचे का बना लिया, तो इसको तोड़ना पड़ेगा अभी सारा। तो वैसे यहाँ से सीधा बहकर आएगी सारी वीट, इसके अंदर कलेक्ट हो गया एंड अपने को 64x64 के ऊपर वीट मिलने वाली है, तो भाई मतलब क्या ही समझ रहे हो ना, कितना खाना हो जाएगा, फिर अपने को एनिमल मारने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैंने काफी सारा चेंजेस कर दिए थे एंड यार फटाफट से अभी मैं अपने सीड्स लगाने के लिए ना हुक का यूज कर रहा हूँ फटाफट से यार अपन सीड्स लगाने के लिए ना, तो इसको आप टाइम लैप्स में एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं क्या है, वीट लग रहा है, मतलब देख रहे कैसे उग रखा है, इतनी मेहनत के बाद जो वीट उग है ना भाई, मतलब मेरे को इतना मतलब सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई, क्या बताऊं मैं। तो फटाफट से ना अपन लीवर ऑन करेंगे, अभी सीधा ऊपर से पानी बहता हुआ आएगा एंड बहुत ही मतलब क्या बताऊं तगड़ा लगने वाला है आपको, एंड साउंड आएगा जब वीट टूटेगा धीरे धीरे, एंड बहुत ही क्या बताऊं इतनी देर मेहनत के बाद पूरा मुझे एक हफ्ता लग गया ये करते करते, धीरे धीरे मैंने बनाया और बहुत ही मजा आया मुझे बनाने में, मैंने बहुत चेंजेस करे, एक बार तोड़कर मैंने फिर से बनाया भाई, मैं क्या ही बताऊं मेरा पहले सही नहीं बना था तो दोबारा से मैंने बनाया जैसे कि मैंने बताया था। अभी लीवर ऑन करेंगे फटाफट से एंड ऊपर से जब वेट आएंगे ना वो मोमेंट मतलब क्या ही होता है, सेटिस्फाई करता है, देखिए यार।
OMG क्या ही लग रहा है भाई साहब, मतलब क्या ही वेट आ रही टूटती टूटती नीचे, और अभी सब ऊपर में इकट्ठा हो गया एंड अपने को खाने की कमी नहीं होने वाली है, बहुत ही मजा आने वाला है। ये देखिए धीरे धीरे ऊपर में जा रहा है सामान, एंड यार मतलब क्या ही बताऊं मैं, अभी ये पानी हो चुका है पूरा का पूरा इधर। तो अभी यार ये पूरा ऑटोमेटिक नहीं था, अभी अपने को फिर से अपने को सीड्स लगाने पड़ेंगे, जो कि सीड्स सारे के सारे नीचे चेस्ट में इकट्ठा हो जाएंगे, फिर से लगाने पड़ेंगे। तो कमी ही नहीं अब खाने की यार अपने पास, यही वेट अपने को पता नहीं कितने एपिसोड तक काम देने वाली, पता नहीं यार शायद तक पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट की सीरीज में काम आ जाएगी, बट देखते हैं यार 64/64 तक का देना चाहिए, अभी धीरे धीरे आएगी यार सारी कलेक्ट, धीरे धीरे होगी वीट, तो आराम से देखते हैं अभी आगे क्या क्या होने वाला है। तो भाई मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। एंड अगर गाइस अपन लीवर को दोबारा से ऑन ऑफ करेंगे तो यार सारा का सारा पानी वापस चला जाएगा अपने डिस्पेंसर्स के अंदर, तो देख सकते हैं बिल्कुल आराम से पानी चला गया है, एंड सारी जो सोयल है वो वेट हो चुकी है। अभी अपन जल्दी से जल्दी यहाँ पर सीड्स वापस से भी लगा सकते हैं। तो गाइस ऐसी है यार ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। एंड यार मैं बताना चाहूंगा कि यार बहुत मेहनत लगी इस एपिसोड को बनाते हुए, तो एक लाइक एंड एक शेयर जरूर करना है, नीचे एक अच्छा सा कमेंट बताना है, एंड जो जो मैंने बातें आपसे पूछी ये क्या होता है इस एपिसोड में, तो उनका भी कमेंट में मेरे को एक ही कमेंट में आंसर कर देना यार, जिससे कि मैं सीख पाऊँ आप लोगों से ही। मैंने बहुत कुछ चेंजेस करे यार, बहुत ज़्यादा, शायद तक मेरे का ये टूट चुका था मेरा, तो मैंने दोबारा से बनाया था, एक हफ्ता लग गया मुझे ये एपिसोड बनाते क्योंकि पहला वर्किंग ही नहीं हुआ मेरा जो पहले वाला बनाया था मैंने, तो यार मैं काफ़ी बार नीचे गिरा, आई नो मैंने उसको नहीं कट करा है एंड बहुत कुछ करा है मैंने, तो बिगिनर्स के लिए भी अच्छी बात है। तो आई होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन दबा लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टीम के साथ, टिल देन बाय बाय।